तंत्र शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें तंत्र और मंत्र दोनों की शक्ति से आप किसी भी व्यक्ति से मनोवांछित कार्य करवा सकते हैं और यह संपूर्ण रूप से संभव है। सबसे पहले तो यूं समझ लीजिए, जो ये सोचते हैं कि इस दुनिया के अंदर यह सब चीजें नहीं होता, तो बिल्कुल आपके मन से हटा दीजिए। बात बस इतना है कि आप उसे नहीं जानते हैं या फिर आपके अनुभव में नहीं आए। अगर मैं इसे आपको समझाऊं तो जो व्यक्ति कार चलाना जानता है उसके लिए संभव है, जिन्होंने कार को कभी चलाया नहीं है अगर उसे मैं कार दे दूं और चलाने बोलूं तो उसके लिए असंभव है। तो बिल्कुल बस यही बात आती है। जैसे हम अगर जो व्यक्ति मरता है वही मृत्यु के अनुभव को जान पाता है, जो व्यक्ति जीवित है और उसे पूछेंगे कि मृत्यु क्या होता है वो तो सिर्फ शब्द में है, अनुभव में नहीं बता पाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे रहस्यमय तरीके से जिसे आप बिना अनुभव किए नहीं जान सकते, और चूंकि इसे हम लोगों ने अनुभव किया, इसे समझा है, तो ये गारंटी के साथ बोलता हूँ ये सब चीज़ें होता है। व्यक्ति के मनोभाव, दिलो दिमाग, आचार विचार, व्यवहार, ऊर्जा को आप अपने लिए नियंत्रित कर सकते हैं, अपने अनुसार घुमा सकते हैं। बस बात इतना है कि आपको वह कला आनी चाहिए या फिर उस सिद्धि में आप पारंगत हो, तब वह साधना या सिद्धि से यह संभव है। लेकिन बिना साधना किए, बिना सिद्धि किए आप तुरंत बोलोगे तो यह संभव नहीं है। यह आपके लिए बिल्कुल हवा में महल बनाने जैसी बात हो जाएगी। तो करना क्या है और होता क्या है सब चीज़ें? सबसे पहले बेसिक चीज यूँ समझिए कि यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड जो है ऊर्जा का खेल है। इन्हीं ऊर्जाओं के प्रयोग करके एक लाइन में, एक निर्धारित केंद्र बिंदु में साधना होता है, जिससे कि व्यक्ति जो है आपके हाव भाव, आपके विचार, आपके मन के अनुसार पूर्ण रूप से वह ऐसा हो जाए कि जो आप चाहे वह तुरंत कर दे। और यह संभव है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन पहले उसे साधने से पहले आपको साधना करके गुजरना होगा, मंत्रों से, शक्तियों से, विचारों से, भावनाओं से, इन सबसे ऊपर उठना होगा। उसके बाद होगा आपकी सिद्धि, अर्थात कोई भी चीज़ आप करते करते, अभ्यास करते करते ही एक समय बाद सिद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें आप सिद्धि प्राप्त करते हैं मंत्र में, तंत्र में या फिर वशीकरण में, तो होता क्या है, जैसे आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रयोग किए तो आपकी जो ऊर्जा है, जो सिद्धि है, जो साधना की शक्ति जो आपने जागृत किया है, वह क्या करता है, उसके पास चले जाता है, उसके पास जाता है, चाहे वह सोए रहे जगते रहे, उसके मन मस्तिष्क में, दिमाग में बार बार आपके विचार घूमने लगता है, ख्याल आने लगता है, प्यार भरी बातें आने लगते हैं, मोहक मोहक अंदाज में आपके जो कल्पना करते हैं वो लोग आपके बारे में कल्पना करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे ऊर्जा के आगोश में आना शुरू हो जाता है, ऊर्जा के बंधन में बंधना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम मोह कहना है, वशीकरण कह ले या मोहित होना कहते हैं, यह सब संकेत हो जाता है। व्यक्ति एक समय बाद, वैसे भी व्यक्ति के मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, एक समय बाद उसके मन विचार भाव जो है इतना इतना भगने लगता है कि व्यक्ति जो है दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है। किसके प्रति, जो साधक है। लेकिन साधक हो स्त्री या पुरुष जो भी हो, उसका गलत प्रयोग ना करे, अन्यथा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। रही बात इसका प्रयोग कैसे करें, तो इसका प्रयोग तभी करें जब आपका साथी या फिर आपका प्यार रूठ गया है, छूट कर चला गया है या फिर दुख तकलीफ में है, तो इससे फिर आपका होगा पूर्ण रूप से चमत्कार। उसके लिए आपको मंत्र की साधना करनी होगी। पहले 21 दिनों की साधना है, सुबह शाम करना है और पूरी तरह से एकाग्रचित होकर करें। व्यक्ति का ध्यान लगाकर बैठे, हो सके तो फोटो लगाकर बैठे, अमुक की जगह नाम ले, स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। पवित्र समय होता है सुबह 6 बजे का, शाम को 6 बजे का, इस समय करें। दिन किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं, 501 बार करें और रुद्राक्ष माला से करें, जितना संभव हो सके आराम से करें, उच्चारण करके करें। बात क्या है यहाँ पे कि जब चीज़ों को आप शुरू करना शुरू कर देंगे तो वह खुद ब खुद घटित होना शुरू